हेलो गाइस, मेक यू जीनियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एमएस एक्सेल के फॉर्मूला टैब में एक्यूरेट फंक्शन फॉर्मूला यानी कि एक्यूलाइज्ड ब्याज की अंगुली गणना करना, इसके बारे में हम आज हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाओ। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करेंगे। रन कमांड हमारा ओपन हो गया है। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल EXEL, ओके पर क्लिक करेंगे या एंटर पर क्लिक करेंगे, हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। ये लिखा है ब्लैंक पर, वो इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। तो देखते हैं, हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है, उसको हम ओपन करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा पहले से डाटा फीड है, सेव कर रखा है हमने। वीडियो बनाने में हमें काफ़ी समय लगता है, इसलिए देख सकते हैं ये लिखा है पर वैल्यू। तुम्हें क्या लगाना है, एक्यूरेंट। यहाँ पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इज इक्वल टू ए डबल सी। देख सकते हैं ये फॉर्मूला हमारा एक्यूरेंट, ये लिखा है इशू। इशू का मतलब जारी, इशू डेट, इशू डेट का मतलब जारी, जिस डेट को हमने लोन जारी कराया है उसको बोलते हैं इशू डेट। अगला है फर्स्ट इंटरेस्ट, ये हमारे क्या है आर्गुमेंट्स। फर्स्ट इंटरेस्ट का मतलब है पहला ब्याज, देख सकते हैं ये लिखा है फर्स्ट इंटरेस्ट पहला ब्याज। पहला ब्याज का मतलब है जिस डेट को हमारा ब्याज स्टार्ट हुआ है, ये हमारा जारी डेट लोन का। ये हमारा जिस डेट को, ये वाला फर्स्ट इंटरेस्ट जिस डेट को हमारा जारी स्टार्ट हुआ है उसको बोलते हैं पहला ब्याज। फिर हमारा सेटलमेंट, सेटलमेंट का मतलब होता है समापन, ये लिखा है समापन। जिस डेट को, ये लिखा है सेटलमेंट समापन, यानी जिस डेट को हमें पैसा जमा करना है या फिर किसी को देना है उसको बोलते हैं समापन, जारी करने की तिथि। अगला है हमारा रेट, रेट का मतलब दर, कितने परसेंट, ये लिखा है एनुअल रेट 14%, 10%, 5%। अगला हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें भुगतान जो करना है। अगला हमारा पर, ये लिखा है पर मीन्स मूलधन, तो मूलधन हमारा क्या है 2 लाख रुपए जो हमने लोन लिया है, किसी से उधार पैसा लिया है या किसी को देंगे उसको कहते हैं मूलधन। अगला हमारा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे ये लिखा है फ्रीक्वेंसी एक यानी वन, प्रतिवर्ष भुगतान की संख्या एक वर्ष के लिए या दो, दो के लिए मतलब अर्धवार्षिक यानी छमाही, और ये हमारा त्रैमासिक, त्रैमासिक मतलब 3 महीने बाद हमें जो पैसा जो लिया है 2 लाख रुपए वो 1 साल में जमा करना है या
छमाही पे जमा करना है या 3 महीने बाद जमा करना है या बेसिस, बेसिस में आधार दे सकते हैं, ये बेसिस आधार हमें 1 साल में 365 दिन होते हैं, तो ये हमारा 360 यानी यूएस का है, इधर हमारा 2 वर्ष के लिए एक्चुअल, 3 साल के लिए ये हमारा 365, यूरोप और इंडिया देख सकते हैं, यूरोपियन और इंडियन 365 इंडिया का होता है। अब चलते हैं हम आर्गुमेंट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं फॉर्मूला टाइप करेंगे, इशू डेट, इशू डेट का मतलब है ये लिखा है इशू डेट जारी, बी कॉलम 3 हमारा रो हो गया, कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट यानी पहला ब्याज ये लिखा है, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट 12/4 को हमारा स्टार्ट हो गया है, कॉमा लगाएंगे, सेटलमेंट समापन, समापन हमारा 11/5 को हुआ है। अगला बोल रहा है कोमा लगाएंगे, रेट कितने परसेंट, 14% यानी 14, कोमा लगाएंगे, पर मूलधन ये लिखा है पर वैल्यू 2 लाख रुपए, कोमा लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी 1 साल का या सेमी एनुअल, छमाही क्वार्टरली तिमाही, तो हम क्या लेंगे, एनुअल लेंगे, वार्षिक, कोमा लगाएंगे। अब ये हो रहा है आपको 365 एक्चुअल इंडिया का है, ये हमारा यूएसए का है, लिखा है यूएस, तो हम इंडिया का लेंगे, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, शिफ्ट एक्स आप ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो दे सकते हैं हमारा आंसर निकल के आ गया है 76.71। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल सीट टू, यहां पर हम हमने कुछ बॉन्ड ले लिए हैं, फर्स्ट डेट इशू डेट, फर्स्ट डेट सेटलमेंट डेट, रेट पर वैल्यू यानी मूलधन, तो हमें क्या निकालना है, बॉन्ड टू, क्या निकालना है, बॉन्ड टू, तो हम फॉर्मूला टाइप करेंगे, देख सकते हैं ये लिखा है बॉन्ड टू निकालना है हमें, अकर्ड तो हम यहां पर टाइप करेंगे एकरेंट इज इक्वल टू ए डबल सी, देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला शो हो गया है। अभी हो रहा है इशू, इशू मतलब जारी, तो फर्स्ट डेट हम कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे, हमने यहां पर पहले से ही टाइप कर रखा है इशू डेट, कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट
फर्स्ट इंटरेस्ट कॉमा लगाएंगे, सेटलमेंट सेटलमेंट डेट कॉमा लगाएंगे, रेट 5% कॉमा लगाएंगे। अभी बोल रहा है पर यानी मूलधन, अब दे सकते हैं जी टू, हमने पहले से बताया नहीं, साथ में जी टू हमारा जी कॉलम, टू हमारा रो, किसका आइए इशू का फर्स्ट रेट, फर्स्ट रेट मतलब पहला ब्याज, एच कॉलम टू हमारा रो, सेटलमेंट आई दे सकते हैं आई कॉलम टू हमारा रो, फिर हमारा रेट यानी दर के कॉलम दे सकते हैं, ये हमारा जे जे कॉलम और टू हमारा रो, और पर मूलधन यानी के कॉलम टू हमारा रो। हम कॉमा लगाएंगे, एनुअल यानी वार्षिक, तो हम वन टाइप करेंगे, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे एनुअल पर। हम कॉमा लगाएंगे, हमें जीरो जीरो वाला लेना है यानी यूएस का लेना है या फिर इंडिया का लेना है, तो हम इस पे जीरो वाला ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे कीबोर्ड में, शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे, सॉरी एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड ओनली, तो देख सकते हैं हमारा आंसर वन टू का निकल के आ गया है। अब हम एबीएस का यूज करेंगे, अभी तक हमने सिंपल बताया था, अब हम ए बी एस फंक्शन का यूज करेंगे, इज इक्वल टू ए बी एस नंबर यानी एकरण, हमारा फॉर्मूला शो हो गया है, डबल क्लिक किया हमने, इशू आप दे सकते हैं इधर, इशू डेट हमारा ये वाला, बी कॉलम टू हमारा रो, कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सी कॉलम टू हमारा रो, कॉमा लगाएंगे, सेटलमेंट यानी समापन डेट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, टी कॉलम टू हमारा रो, कॉमा लगाएंगे, रेट यानी दर ई कॉलम टू हमारा रो, पर मूलधन एफ कॉलम टू हमारा रो, कॉमा लगाएंगे। हम एनुअल ले सकते हैं या फिर हम अर्धवार्षिक ले सकते हैं, तो हम अर्धवार्षिक लेंगे, दे सकते हैं डबल क्लिक किया कॉमा लगाएंगे। अब हम इंडिया का ले सकते हैं या फिर हम यूएस का ले सकते हैं, इसमें हम यूएस का ले लिया, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीवर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, यस करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है। हमने जो ब्रैकेट जो था लास्ट वाला वो मैंने नहीं लगाया था, वो ऑटोमेटिक इसने ले लिया है, दे सकते हैं डबल ब्रैकेट। अगला एग्जांपल शीट थ्री, ये हमारी कुछ वैल्यू टाइप हुए हैं, इशू डेट फर्स्ट डेट सेटलमेंट डेट रेट पर वैल्यू फ्रीक्वेंसी, हमें क्या लगा रहा है अकर्ड इंटरेस्ट, तो हम क्या करेंगे इजुकल टू एकरेंट
देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा सो गया है। अभी हो रहा है इशू, तुम्हारा इशू डेट ए टू, यानी ये कॉलम टू हमारा रो, कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, बी टू कॉमा लगाएंगे, सेटलमेंट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सी टू कॉमा लगाएंगे, रेट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डी टू कॉमा लगाएंगे, पर यानी मूलधन ई टू कॉमा लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला एनुअल लेना है वार्षिक या अर्धवार्षिक लेना है, तो हम अर्धवार्षिक लेंगे, डबल क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हम यूएस का लेना है या इंडिया का लेना है, तो हम यूएस का लेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरह हम इस वाले का निकालेंगे, इजुकल टू एकरंट, डबल क्लिक किया, इशू यानी इशू डेट कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, बी थ्री कॉमा लगाएंगे, सेटलमेंट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सी थ्री कॉमा लगाएंगे, रेट 4.50% डी थ्री कॉमा लगाएंगे, पर यानी मूलधन 2000 रुपये, तो हमने सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा लगाएंगे। अभी हो रहा है वार्षिक लेंगे या फिर अर्धवार्षिक या क्वार्टरली या त्रैमासिक, तो हम क्या लेंगे, इसको हम इस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। देख सकते हैं इसको हमने सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, F3 हम कॉमा लगाएंगे। इसी तरह हम 0 यूएस का लेना है या फिर इंडिया का लेना है, तो 0 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज एंटर कीवर्ड से। अब हम इसमें भी हम जो हमने वैल्यू टाइप किया है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम लेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम डिलीट करेंगे, और हम दे सकते हैं, इसको मैंने एडिट किया। अब हम इस बार उस सिलेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, F2 कॉमा लगाएंगे और हम 0 ले लेंगे, और हम कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे एंड देन एंटर, तो दे सकते हैं इसमें हमने वैल्यू की जगह सेल को सिलेक्ट कर लिया हमने। दे सकते हैं F2, इसमें F3। इसी तरह हम इसका निकालेंगे सेल का, इजुकल टू एक रेंट, डबल क्लिक करेंगे इस पर, इशू डेट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट इंटरेस्ट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, बी फोर कॉमा लगाएंगे,
सेटलमेंट, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, सी फोर कॉमा लगाएंगे, रेट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डी फोर कॉमा लगाएंगे, पर मूलधन ई टू सॉरी ई फोर कॉमा लगाएंगे, हम क्या लेंगे, हमें एनुअल लेना है या सेमी एनुअल लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एफ फोर कॉमा लगाएंगे, हमें यूएस लेना है या फिर इंडिया का लेना है, तो हम यूएस का लेना है, जीरो डबल क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ जीरो यानी ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, तो दे सकते हैं इसमें हमारा कोई वैल्यू टाइप नहीं है, तो इसने वैल्यू एरर दे दिया है। हम क्या करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, एग्रीगेट का इज इक्वल टू एग्रीगेट, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे, हम क्या लेंगे, ये लिखा है फंक्शन नंबर, तो हम ऑप्शन एरे, तो हम क्या लेंगे, सम जोड़ सम करना है, कॉमा लगाएंगे, जीरो इग्नोर नेस्टेड इफ नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन, तो हमें क्या करना है, इग्नोर एरर वैल्यू, तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे सिक्स को, डबल क्लिक किया हमने, कॉमा लगाया, अब ये हो रहा है फंक्शन नंबर, तो हम क्या करेंगे, हमने जो अकर्ड इंटरेस्ट निकाला है उस सेल को यानी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जी टू से कॉलम जी फोर लास्ट रेंज रो, जी कॉलम टू हमारा रो लास्ट रेंज जी फोर, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है। अब अगला एग्जाम्पल लास्ट सीट फोर पे जाएंगे, यहां पर हम कुछ हमें 1,00,000 का मूलधन लिखा है 7% के हिसाब से, इशू डेट फर्स्ट डेट फर्स्ट इंस्टॉल डेट सेटलमेंट डेट फ्रीक्वेंसी 1 और बेसिस हमारा 3, हमें एक्यूरेंट निकालना है, तो यहां पर हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू ए डबल सी, देख सकते हैं फॉर्मूला हमारा शो हो गया है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, इशू तुम्हारा इशू डेट इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, B3 कॉमा फर्स्ट इंटरेस्ट डेट इस ये वाला सेल B4 कॉमा लगाएंगे, सेटलमेंट समापन डेट, समापन डेट हमारा ये वाला है 12/5/2022, हमने 1 साल का लिया है, कॉमा लगाएंगे, रेट इस सेल को सेलेक्ट करेंगे B2 कॉमा लगाएंगे, पर मूलधन कॉमा लगाएंगे, अभी हो रहा है एनुअल या फिर अर्धवार्षिक या क्वार्टरली त्रैमासिक, तो हम क्या करेंगे, हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे B6 दे सकते हैं, बी कॉलम सिक्स हमारा रो कॉमा लगाएंगे, इसी तरह हम यूएस का लेना है या इंडिया का लेना है, तो हम इंडिया का लेंगे, हम
शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज यानी जीरो कीवर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं हमारा आंसर निकलाया है। इसी तरह हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू एकरेंट, डबल क्लिक किया इशू डेट कॉमा फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे बी4 कॉमा सेटलमेंट समापन डेट, इस सेल को सिलेक्ट किया कॉमा लगाएंगे रेट यानी दर बी2 कॉमा लगाएंगे पर मूलधन बी1 कॉमा लगाएंगे सेटलमेंट वो सॉरी फ्रीक्वेंसी हमारा वार्षिक अर्धवार्षिक क्वार्टरली यानी त्रैमासिक, तो हम क्या करेंगे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे बी6 कॉमा, हमें इंडिया का लेना है या यूएस का लेना है तो हम इंडिया का लेंगे, डबल क्लिक किया शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं हमारा आंसर निकल आया है। फिर से हम इक्वल टू एकरेंट हम त्रैमासिक का निकालेंगे, अभी हमने अर्धवार्षिक का निकाला अब त्रैमासिक का इशू ये वाली डेट इशू डेट कॉमा लगाएंगे फर्स्ट इंटरेस्ट डेट, इस सेल को सिलेक्ट किया बी4 कॉमा लगाएंगे सेटलमेंट समापन डेट बी5 कॉमा लगाएंगे रेट दर बी2 कॉमा लगाएंगे पर मूलधन बी1 कॉमा लगाएंगे एनुअल यानी वार्षिक अर्धवार्षिक त्रैमासिक, तो हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे बी6 कॉमा लगाएंगे। अब हम ये लिखा है इंडिया का लेना है तो हम क्या करेंगे हम इंडिया का लेंगे, डबल क्लिक किया और हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज यानी जीरो कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं हमारा आंसर राइट निकला है, सेम निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे लास्ट फॉर्मूला हम एबीएस का लगाएंगे, अभी तक हमने सिंपल लगाया था अब एबीएस फंक्शन का यूज करेंगे इज इक्वल टू एबीएस, इसमें हम डबल क्लिक करेंगे नंबर यानी एकरेंट इशू, वही फिर से फॉर्मूला जो अभी तक लगाया हमने फर्स्ट डेट वो सॉरी इशू डेट बी3 कॉमा फर्स्ट इंटरेस्ट डेट बी4 कॉमा सेटलमेंट समापन डेट बी5 कॉमा लगाएंगे रेट दर 7% कॉमा लगाएंगे पर मूलधन बी1 कॉमा लगाएंगे हमें एनुअल लेना है या सेमी एनुअल लेना है या क्वार्टरली लेना है तो हम क्या करेंगे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे देख सकते हैं बी6 कॉमा लगाएंगे हमें यूएस का लेना है या फिर इंडिया का लेना है तो हम इंडिया का लेंगे अपने भारत का। हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे यानी जीरो कीवर्ड में एंटर प्रेस करेंगे हमने अब ये वो रहा है एवीएस फंक्शन का जो ब्रैकेट नहीं लगाया हमने तो वो ऑटोमेटिक अभी एक्सेप्ट कर लेगा, देख सकते हैं ये लिखा है एक्सेप्ट यस करेंगे तो देख सकते हैं इसने एक्सेप्ट कर लिया है, एवीएस फंक्शन से भी हमारा आंसर सेम निकला है। इस पर हम सेल पर कर्सर रखे हैं तो देख सकते हैं उसने ऑटोमेटिक हमारा
ब्रैकेट डबल लग गया है हमारा, ब्रैकेट क्लोज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।